फ्रेंड्स, आपका श्री अनंता ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देखने जा रहे हैं होम साइंस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर, जो खाद्य संरक्षण एवं खाद्य संसाधन टॉपिक के अंतर्गत आने वाले पार्ट टू के प्रश्नों के उत्तर हैं। खाद्य संरक्षण एवं खाद्य संसाधन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है फूड प्रिजर्वेशन एंड फूड प्रोसेसिंग। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हैं, जो इस प्रकार है। प्रश्न 126, शीत संग्रहागार का तापक्रम कितना होता है? 0 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका उत्तर है 0 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 127, जल संग्रहागार का तापक्रम कितना होता है? जल संग्रहागार का तापक्रम 32 डिग्री से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप तक होता है। क्वेश्चन नंबर 128, अंडा तथा दूध सुरक्षित किस ताप पर रहते हैं? अंडा तथा दूध 35 डिग्री से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर सुरक्षित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, जैम किससे बनता है? जैम पेक्टिन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 130, जैली किससे तैयार की जाती है? इसका उत्तर होगा जैली फलों के गूदे से तैयार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 131, जैम कितने चरणों में बनाया जाता है? जैम 2 चरणों में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 132, सर्वोत्तम जैम में कितना शक्कर डाला जाता है? सर्वोत्तम जैम में 2/3 शक्कर डाला जाता है। जो फलों के गूदे होते हैं उसका 2/3 पार्ट जो होता है वो शक्कर का होता है। क्वेश्चन नंबर 133, भोज्य पदार्थ कितने ताप पर संरक्षित होते हैं? भोज्य पदार्थ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे ताप पर सुरक्षित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, प्रशीतन कौन सी विधि है? प्रशीतन को हम ठंडी विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, प्रिजर्वेटिव में क्या डाला जाता है? प्रिजर्वेटिव में सोडियम बेंजोएट डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 136, पॉस्चराइजेशन द्वारा किस तरह से दूध सुरक्षित किया जाता है? पॉस्चराइजेशन द्वारा दूध सुरक्षित करने के उसकी पूरी विधि होती है, जो इस प्रकार है। दूध 160 ताप पर 15 सेकेंड तक गर्म करने के बाद तुरंत 55 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम ताप पर ठंडा कर दिया जाता है, जिससे जीवाणु अधिक संख्या में नष्ट हो जाते हैं। फिर दूध को बोतलों में भरकर सील कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 137, स्टरलाइजेशन किसे कहते हैं? ये अब आपको बताया जाएगा कि किस तरह से किया जाता है। भोज्य पदार्थों को एक निश्चित ताप पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करने से उसके छोटे छोटे जीवाणु मर जाते हैं। इसके बाद निर्जीवाणुकरण की गई बोतलों में भरकर सील बंद कर दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया पूरी किसके लिए होती है? स्टेरिलाइजेशन के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 138, डिहाइड्रोफ्रीजिंग किसे कहते हैं? डिहाइड्रोफ्रीजिंग, इसका उत्तर होगा यह निर्जलीकरण एवं फ्रीजिंग की संयुक्त विधि होती है। सब्जियों एवं फलों को पहले गर्म करके पानी की मात्रा देखी जाती है तथा बाद में फ्रीजर में उसे रख दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, एफपीओ कब लागू हुआ? एफपीओ का फुल फॉर्म क्या हुआ? फूड प्रोडक्शन ऑर्डर। ये कब लागू हुआ था? इसका उत्तर होगा 1955। क्वेश्चन नंबर 140, सिंक में बर्तन धोने से कितने प्रतिशत समय की बचत होती है? इसका उत्तर है 8% समय की बचत होती है। 8% समय जो होता है वो सिंक में बर्तन धोने से कम हो जाता है, उसकी बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 141, फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने एक ही रीडिंग देते हैं, किस ताप पर? किस ताप पर हमें एक ही रीडिंग मिलती है? -273 डिग्री ताप पर हमें दोनों की रीडिंग, एक ही रीडिंग जो होती है मिलती है -273 डिग्री ताप पर।
क्वेश्चन नंबर 144। कौन सी वस्तु किस प्रकार के खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आती है? अब यहाँ पे मैंने सारे खाद्य पदार्थ, किस किस तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया हुआ है। इसको आप अच्छे से उतार लीजिए। अभिकारी खाद्य पदार्थ, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? चीनी, गुड़ और कॉफी, इस तरह की चीजें जो होती हैं वो अभिकारी खाद्य पदार्थ में होती हैं। अर्धविकारीय खाद्य पदार्थ, अर्धविकारीय खाद्य पदार्थ में कौन कौन सी होती हैं? घी, दलिया, मैदा। नेक्स्ट है सुविधाजनक खाद्य पदार्थ। अब सुविधाजनक खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आने वाले पदार्थ हैं डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? विकारीय खाद्य पदार्थ, इसके अंतर्गत आते हैं अंडा, फल, खोया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। खाद्य संरक्षण अर्थात फूड प्रिजर्वेशन की कौन कौन सी विधियां होती हैं? खमीरीकरण, निर्जलीकरण, प्रशीतन, बोतलों में संरक्षण, डिब्बों में संरक्षण और जैम जेली बनाकर संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 144। केसीन किसमें किसमें होता है? केसीन किसमें किसमें पाया जाता है ये आपको बताने जा रही हूँ। उसका उत्तर होगा सोयाबीन में केसीन होता है, दूध में क्या होता है? बीटा केसीन होता है। सोयाबीन में बीटा केसीन नहीं होगा, सोयाबीन में केसीन और दूध में बीटा केसीन। क्वेश्चन नंबर 145। विटामिन डी के कौन कौन से रूप होते हैं? विटामिन डी के जो रूप होते हैं उसका उत्तर है एल्गोकैल्सिफेरॉल, फोलेकैल्सिफेरॉल, 7-dihydrocholesterol। ये तीनों जो होते हैं इसके रूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 146। गर्भवती महिला को लोहे की कितनी आवश्यकता होती है? गर्भवती महिला को 38 mg लोहे की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 147। दूध का आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु कितना होता है? दूध का आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु होता है 4.6। क्वेश्चन नंबर 148। सल्फर युक्त अमीनो एसिड कौन सा है? सल्फर युक्त अमीनो एसिड मेथियोनिन होता है। क्वेश्चन नंबर 149। एफएओ की शुरुआत कब हुई थी? एफएओ की शुरुआत 1945 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 150। मक्खन एवं घी किस विटामिन के द्वारा फोर्टिफाइड किया जाता है? मक्खन एवं घी विटामिन के द्वारा फोर्टिफाइड किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए।